कैट इन ब्लेंडर। हाल ही के 2-3 दिनों में तुमने ये टाइटल कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर देखा होगा। मैंने भी ये टाइटल फेसबुक पर देखा और अपनी जिंदगी में करी गई कई गलतियों में एक गलती और जोड़ दी इसे सर्च करके। जब मैंने इसे सर्च किया तो रेडिट पे वार्निंग मिली कि इसे अपने विल पे देखें, और जब मैंने वीडियो देखा तो मेरा पूरा दिमाग हिल गया। कोई इंसान किस हद तक निर्दयी हो सकता है? तो वीडियो में मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो वीडियो स्किप कर दो। तो वीडियो में दिखाया जाता है कि एक इंसान एक जिंदा बिल्ली को एक ब्लेंडर में डालता है। मासूम सी बिल्ली और देखने वाले भी समझ नहीं पाते कि होने क्या वाला है, पर उसके बाद जो होता है वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग था कि उसे देखने के बाद शायद कई लोग खाना भी ना खा पाए। वो इंसान उस जिंदा बिल्ली को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंडर ऑन कर देता है। बिल्ली पूरी तरह से तड़प रही थी और ये देखने के बाद मेरे हाथ से फोन छूट गया था। कोई निर्दयता की कितनी हदों को पार कर सकता है ये दिखाया है उस वीडियो में। और उसके बाद भी ये सब खत्म नहीं होता। वो ब्लेंडर से बिल्ली को बाहर निकालता है जिसमें उसकी सांसें चल रही थी, और उसके बाद उसे ओवन में डाल देता है। उसके बाद मैंने दोबारा इस न्यूज को सर्च किया उस आदमी के बारे में जानने के लिए कि क्या वो पकड़ा गया या नहीं। सर्च करने पर मुझे पता चला कि ये वीडियो 2007 का है और उस टाइम यूट्यूब पे डाला गया था और वहीं से वायरल हो गया था। ASPCA यानी दी अमेरिकन सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स ने एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जिसमें पाया गया कि वीडियो फेक है। उनकी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि किसी भी बिल्ली को कोई हार्म नहीं पहुंचा है और ये वीडियो टोटली फेक है, कंप्यूटर जनरेटेड। पर क्या ये कोई विन विन सिचुएशन है? क्या हमें खुश होना चाहिए? पहली बात तो ये कंप्यूटर जनरेटेड कहीं से भी नहीं लग रहा। फिर भी ASPCA के अकॉर्डिंग वीडियो का ऑडियो और वीडियो दोनों अलग अलग हैं। तो मैं बता दूं कि पहले के टाइम पे जो फोन हुआ करते थे उनमें वीडियो बनाने पे यही होता था। कभी कभी बनाए गए वीडियो का ऑडियो और वीडियो एक साथ नहीं चलते थे, गैप हो जाता था। और चलो मान लो कि अगर वीडियो फेक भी है तो एथिकली ये कौन सा तरीका है कैट इन द ब्लेंडर? अगर ये कंप्यूटर जनरेटेड भी है तो एक इंसान की सोच किस हद तक गिर सकती है? मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे मम्मी पापा और बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि अगर किसी ने बिल्ली को मारा है तो उसे उसके बदले सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी। यानी बिल्ली को नुकसान पहुंचाना महापाप माना गया है। अगर सगुन शास्त्र के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे आसपास के जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी नेचर होता है, उनकी जो भी एक्टिविटी होती है वो हमें हमारे भविष्य की जानकारियां देती हैं। समय के साथ हम लोगों ने कई सारी जानकारियां खो दी और यही वजह है कि आज के टाइम में सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स पैदा हो जा रहे हैं। देखो, बिल्ली को पालना या ना पालना तो अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन कई लोग बिल्लियों को अशुभ मानते हैं। शास्त्रीय मत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिल्ली और सांप की बहुत बड़ी दुश्मनी मानी गई है। और आपको तो पता ही है कि पहले के टाइम पे रास्ते कच्चे होते थे, सड़कें नहीं होती थी, पेड़ पौधे, कई सारी लताएं, कई सारे खरपतवार होते थे रास्ते में। और ऐसा माना जाता है कि बिल्लियों का जो सिक्स्थ सेंस होता है वो बहुत इवॉल्व होता है, उन्हें आभास हो जाता है कि सांप है या नहीं। तो एक टाइम पे रास्ते में बिल्लियों का दिखना इस बात का इंडिकेशन था कि आगे सांप हो सकता है। फिर चीजें बदली, समय बदला और सोसाइटी ने ये मान लिया कि बिल्ली दिख रही है तो आगे जाके अशुभ होगा, इसलिए कई लोग रुक जाते हैं। हम अपने बचपन से कई सारी नेचर की एक्टिविटी के इंडिकेशन के बारे में सुनते आए हैं, जैसे किसी के नए काम के स्टार्टिंग में छींक आ जाना, छिपकली का किसी के शरीर पर गिरना या बिल्ली का रास्ता काटना। ये सारी चीजें किसी न किसी वजह से बोली गई थी। कई बार ये चीजें नॉर्मल होती हैं और कई बार ये हमारे फ्यूचर की ओर इशारा कर रही होती हैं। बिल्लियों को ना पालने के कई सारे ज्योतिष तर्क भी दिए गए हैं, जैसे कि बिल्ली जिस घर में रहती है वहाँ के चूहे या जो पक्षी होते हैं उनका शिकार कर देती है। इससे होता क्या है कि केतु बेचारा निर्बल हो जाता है और राहु ताकतवर हो जाता है और उस घर में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। देखो, इनको पालने या ना पालने पर लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदू धर्म में तो छोटे से पत्थर से लेकर पेड़ पौधे से लेकर हर एक चीज में भगवान का वास बताया गया है। का कारण यही है कि इंसान प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, भले ही भगवान के ही डर से क्यों ना। हालांकि तुम इस सारी घटना के बारे में क्या कहते हो, अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना।